इतिहास जो रखा है, तो मेरे ख्याल से आज इस सदन को भी समझना होगा कि तुगलकी फरमान और भू माफिया और विकास में क्या अंतर होता है। इतने दिनों के विधानसभा के कार्यकाल में जब भी विधेयक आते हैं तो सत्ता पक्ष एकमत होता है और विपक्ष उसके विरोध में होता है। मैं सिद्धार्थनाथ जी और हर्ष जी को भी आभार व्यक्त, इन्होंने सही तस्वीर रखी है। ये अपनी पार्टी के हित के विषय में सोच रहे हैं। ये लोग अंग्रेजों के जमाने से फैमिलीज रह रही हैं और भी बहुत पुराने पुराने लोग रह रहे हैं, और ये लोग कोई बड़े सेठ नहीं है। ये लोग इतने बड़े सेठ नहीं है कि ये लोग आप उनको हटा देंगे। एक तरफ हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को आवास दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग हजारों की तादाद में फैमिलीज को कह रहे हैं गेट आउट, ये लैंड सब हम लोग ले ले रहे हैं, ये कहीं से ये न्याय संगत नहीं है। हर्षवर्धन वाजपेयी और सिद्धार्थनाथ सिंह जैसे बीजेपी विधायकों ने योगी सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। हालांकि विधानसभा में इस विरोध के बावजूद भी बीजेपी और योगी सरकार ने नजूल बिल को पास तो करा लिया, लेकिन विधान परिषद में नजूल बिल के साथ खेल हो गया। ये खेल किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के MLC और प्रदेश अध्यक्ष भूपेन चौधरी ने किया। भूपेन चौधरी ने विधान परिषद में इस बिल को लटका दिया और पूर्ण समर्थन के साथ प्रवर समिति को विचार के लिए भेज दिया। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग विधेयक 2024 जैसा उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा संशोधनों सहित पारित हुआ पर विचार किया जाए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन 2 माह के अंतर प्रस्तुत करें। समिति के सदस्यों के एक सेकंड भूपेन जी, एक सेकंड, प्रस्ताव आ जाए। प्रस्ताव प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग विधेयक 2024 जैसा उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा संशोधनों सहित पारित हुआ पर विचार किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया ना कहें। मेरे विचार में हाँ की संख्या अधिक है, विचार का प्रस्ताव पारित हुआ। भूपेन जी कहिए क्या कह रहे हैं। मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस विधेयक को सदन की प्रवर समिति के सपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन 2 माह के अंतर प्रस्तुत करे। समिति के सदस्य के नाम बाद में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। ठीक है। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग विधेयक 2024 जैसा उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा संशोधनों सहित पारित हुआ को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए। जो माननीय सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य प्रस्ताव के विरोध में हो कृपया ना कहें। मेरे विचार में हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाता है। भूमि संबंधी कानून को लेकर सरकार के भीतर और खासकर जनप्रतिनिधियों के भीतर खौफ देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि विधान परिषद में जिस वक्त केशव मौर्य इस नजूल संपत्ति विधेयक को पेश कर रहे थे, उसी वक्त बीजेपी के विधान परिषद सदस्य भूपेन चौधरी ने इसे प्रवर समिति में भेजने की मांग कर दी। विधान परिषद के अध्यक्ष ने तब कहा कि इस विधेयक को पेश हो जाने दें, उसके बाद इस मामले को देखते हैं। जैसे ही केशव मौर्य ने नजूल संपत्ति विधेयक को विधान परिषद में पेश किया, दोबारा भूपेन चौधरी ने एक बार फिर खड़े होकर इसे प्रवर समिति में भेजने की अपील की और कहा कि इस मुद्दे पर अभी सहमति नहीं बनी है, इसलिए इसे भेजा जाए। विधान परिषद के अध्यक्ष ने इस बात को मान लिया और प्रवर समिति को भेज दिया गया। वहीं इससे पहले विधानसभा में भी बीजेपी विधायकों ने इसका जमकर विरोध किया था। जो सरकार की मंशा रखी है और उसके बारे में उसका इतिहास जो रखा है, तो मेरे ख्याल से आज इस सदन को भी समझना होगा कि तुगलकी फरमान और भू माफिया और विकास में क्या अंतर होता है। ये लोग अंग्रेजों के जमाने से फैमिलीज रह रही हैं और भी बहुत पुराने पुराने लोग रह रहे हैं, और ये लोग कोई बड़े सेठ नहीं है। ये लोग इतने बड़े सेठ नहीं है कि ये लोग आप उनको हटा देंगे। एक तरफ हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को आवास दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग हजारों की तादाद में फैमिलीज को कह रहे हैं गेट आउट, ये लैंड सब हम लोग ले ले रहे हैं,
कहीं से ये न्याय संगत नहीं है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया को लखनऊ और दिल्ली की राजनीतिक खींचतान से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।